नमस्कार दोस्तों, करंट नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम 27 फरवरी 2019 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राइजिंग इंडिया समिट 2019 कहाँ आयोजित किया गया? ए, नई दिल्ली में, बी, मुंबई में, या सी, कोलकाता में। इसका सही आंसर है ए, नई दिल्ली में। राइजिंग इंडिया समिट 2019 कहाँ आयोजित की गई? ए, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित नेटवर्क 18 राइजिंग इंडिया समिट को संबोधित किया और न्यू इंडिया के लिए अपना दृष्टिकोण रखा। शिखर सम्मेलन का विषय था बियॉन्ड पॉलिटिक्स, डिफाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज था। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन सी सरकार के कर्मचारियों के माता पिता की रक्षा के लिए प्रणाम आयोग शुरू किया गया? ए, असम, बी, उत्तर प्रदेश, सी, बिहार। इसका सही आंसर है ए, असम। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसके? असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने प्राणायाम आयोग की शुरुआत की है, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए लाए गए एक विधेयक से संबंधी मुद्दों की देखभाल के लिए गठित एक पैनल है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन सी कैबिनेट ने राज्य फिल्म नीति 2019 को मंजूरी दी है? ए, ओडिशा ने दी है। इसका सही आंसर है ए, ओडिशा। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? और ओडिया फिल्मों को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में फिल्मों के निर्माण के लिए अनुकूल इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल ने ओडिशा राज्य फिल्म नीति 2019 के लिए अपनी मंजूरी दी है। गणेशी लाल ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया है? मुहम्मदू बुहारी को नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, मुहम्मदू बिहारी को। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। मुद्रा है नाइजीरियाई नायरा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस नाटककार को मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? महेश एल कुंचवार को मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पुस्तक क्वालिटी एक्रीडिटेशन एंड रैंकिंग का नई दिल्ली में अनावरण किया गया, किसने लिखी है? ये डॉक्टर एच चतुर्वेदी ने नई दिल्ली में अनावरण किया है। ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। इसका अनावरण उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, इस चीज़ को ध्यान रखें, इसका अनावरण किसने किया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीता है? मनु भाकर सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पुरस्कार कौन प्रदान करेगा? ए, रामनाथ कोविंद, बी, अरुण जेटली, सी, नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर है सी, नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पुरस्कार कौन प्रदान करेगा? नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने मीठी क्रांति योजना की शुरुआत की है? ए झारखंड ने, बी उत्तराखंड ने, सी हरियाणा ने। इसका सही आंसर है ए, झारखंड। सही आंसर क्या है इसका? मीठी क्रांति योजना की शुरुआत किसने की? झारखंड ने की है। क्वेश्चन नंबर 10,
हाल ही में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात। इसका सही आंसर है बी मध्य प्रदेश में किया गया है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने पहली बार एक महिला को राजदूत नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ए इराक ने, बी ईरान ने, सी सऊदी अरब ने। इसका सही आंसर है सी सऊदी अरब। सऊदी अरब ने पहली बार एक महिला को राजदूत नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए मुंबई में, बी बेंगलोर में, सी नई दिल्ली में। इसका सही आंसर है सी नई दिल्ली में। स्मार्ट यूटिलिटी वीक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नमस्कार।